हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे टाटा टियागो ICNG टॉप वेरिएंट XZ प्लस। सो बिफोर वी स्टार्ट, थैंक्स टू सागर मोटर फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको अगर टाटा का प्रोडक्ट कोई भी चेकआउट कर रहे हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू। आप आगे रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टाटा का XZ प्लस है वाइट कलर में। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 7.5 2 लैक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं सामने से। हेलोजन हेडलैम्प प्लस डीआरएल के साथ आ रहा है। फॉग लैम्प वही ट्रायरो शेप में ग्रिल दिया हुआ है। ये टाटा का लोगो क्रोम गार्निश के साथ। बहुत ही एग्रेसिव लुक के साथ दिखता है ये टाटा टियागो सामने से। ये कुछ ऐसा इसका DRL का लुक। और इसकी अगर मैं हेडलाइट ऑन करूं, ये इसके प्रोजेक्टर हेडलाइट। फ्रेंड्स, इसका चेक करते हैं इसका इंजन स्पेसिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, ये इसका 1.2 लीटर रेवट्रॉन इंजन, जो कि इसका 92 BHP और 95 Nm टॉर्क जनरेट करती है ICNG में। सबसे बेटर है, इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है जिसमें CNG लगा हुआ है। फिनिशिंग और इसकी जो वायरिंग वगैरह कहीं भी इतना पता नहीं चल रहा है। जैसे कोई आप आफ्टर मार्केट से करवाते हैं तो उसमें क्लियर पता चलता है जो CNG किट लगा हुआ है। एक बार कार को स्टार्ट करके देखते हैं इंजन नॉइस। इंजन चेक कीजिए। अगर हम NVH लेवल की बात करें तो गाड़ी के अंदर भी इतना नॉइज़ नहीं है। इंजन नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। अगर हम साइड व्यू पर चेक करेंगे साइड मिरर में आपका इंडिकेटर दिया हुआ है। फाइल की बात करें ये 175/65R14 स्टील व्हील के साथ आता है, जो कि एलॉय जैसे लुक दिया हुआ है इसमें। डोर हैंडल में क्रोम गार्निश दिया हुआ है। ये इसका कुछ बैक साइड से व्यू। ICNG की बैजिंग, टाटा का लोगो, वाइपर। टियागो की बैजिंग, नीचे रिवर्स कैमरा। इसका फ्यूल कैप, इसमें आप ये पेट्रोल कैप और ये CNG फिलर कैप। इसको जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसमें ये फीचर्स दिया हुआ है। इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 60 लीटर CNG का। अब आपको CNG टैंक दिखा देते हैं। ये इसका CNG टैंक है, जो कि 60 लीटर
रिव्यू देखते हैं इसका। फ्रंट रो से स्टार्ट करते हैं। ये इसका कुछ की है सर, जिसमें आपका लॉक, हेडलाइट का और अनलॉक का स्विच है। सेंट्रल लॉक के साथ आता है ये। आइए अब अंदर चलते हैं। ये नॉर्मल फाइबर के साथ है। इसका मटेरियल है, क्वालिटी ठीक ठाक है। ये आपका 4 ऑटोमेटिक पावर विंडो आता है। इसका कॉन्फ्रेंस के साथ हैंडल दिया हुआ है। एक पावर एडजस्टेबल मिरर, साइड मिरर फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल के साथ है। इसका पॉकेट होल्डर, छोटा मोटा आप वगैरह रख सकते हैं इसमें। आपका सीट हाइट एडजस्टेबल भी आता है, आप चेक कर सकते हैं। ये इसका सीट जो है प्रॉपर कुशन के साथ, बहुत ही बेटर कुशन फैब्रिक सीट, जिसमें ट्राई एरो के साथ दिया हुआ है इसका लोगो। हम की बात करें सीट, कम्प्लीटली मैंने बैक साइड में किया है। और आप देखें ये ऑटोमेटिक इसका एसी, इसका मीटर कंसोल, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। ऊपर ये सीएनजी का नोटिफिकेशन दे रहे हैं और ये नीचे फ्यूल बार। बाकी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, इसका ट्रिप ए बी, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, इसका हॉर्न। अब इधर देखें तो इसका स्टूडियो एंटरटेनमेंट, हरमन स्टूडियो, इस 7 इंच का हरमन का स्टूडियो दिया हुआ है एंटरटेनमेंट। इसके नीचे जाएं तो आपका ये सीएनजी ऑन ऑफ स्विच, इसको सिंगल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ आपका सीएनजी मोड एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। फाइव स्पीड गियर, इसका 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, नीचे आपका एक यूएसबी कनेक्टिव दिया हुआ है साथ में। कप होल्डर, साथ में थोड़ा सा स्पेस दिया है। वैनिटी मीटर मिरर दिया हुआ है आपका ड्राइवर पैसेंजर साइड में। ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर है। ये आपका मैनुअल IRVM, ऊपर एक LED रूफ लाइट है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके पीछे की तरफ बैठ के चेकआउट करता हूँ। अब सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। मेरी जो हाइट है वो 5.4 इंच है। एंड ऑल्सो सॉरी फ्रेंड्स, बाहर हवा चल रही है तो नॉइज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये इसका बैक सीट रिव्यू, इसका डोर ऑल प्लास्टिक। ये पावर विंडो का स्विच, ये एक बोतल होल्डर। अगर देखेंगे तो सेम वही सीट कुशन, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, कंफर्टेबल सीट है। इसमें 2 एडल्ट और 1 चिल्ड्रन ईजिली बैठ सकता है। फिक्स्ड बैक हेडरेस्ट है। बैठ के देखो,
तो बहुत ही बेटर लेग स्पेस है आप देखेंगे। मतलब तो पीछे दो एडल्ट बहुत ही इजीली कंफर्टेबली जा सकते हैं एक चाइल्ड के साथ। ये बैक सीट से फ्रंट का व्यू, चलिए अब चलते हैं इसका बूट चेक करते हैं। इसका बूट जैसे कि आपको पता ही ये ICNG है तो इसमें 60 लीटर का टैंक दिया हुआ है। ये ऊपर एक पार्सल ट्रे, इसका ऑन ऑफ का स्विच, नीचे स्पेयर टायर जो कि एक साइज छोटा है इससे R14, फ्रेंड्स इसके डायमेंशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 168 मिलीमीटर अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा रिव्यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, जय माता दी।